हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, एक वीडियो फिर से शुरू करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि कई लोग ये चाहते हैं कि जो बिगिनर्स लोग हैं वो ऑप्शंस में आना चाहते हैं और ऑप्शंस के बारे में पूछना चाहते हैं, और जो लोग पहले से ऑप्शंस में हैं आपको बहुत सारी दिक्कत ये आ रही होगी कि ऑप्शंस में काम करते वक्त कि बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ रहे होंगे। और क्या हो रहा है कि ऑप्शंस में काम करते वक्त बहुत ज़्यादा लॉसेस के बाद साइकोलॉजी खराब होती है, जिससे क्या और ज़्यादा लॉसेस होने लगते हैं। तो गाइस, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखो जो बिगिनर हैं जो ऑप्शन में आना चाहते हैं और जो ऑप्शन में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो आप एक चीज का ध्यान रखो, मेरे हिसाब से ऑप्शंस में ज्यादा जल्दबाजी में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप मान लीजिए कि 10,000 रुपए से आप एंट्री कर भी रहे हैं ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, मान लीजिए 10,000 से ऑप्शन में आपने एंट्री की, क्योंकि ऑप्शन का प्राइस क्या होता है, इक्विटी की तरह धीरे तो चलता नहीं है। क्योंकि वहां पे अगर 100 वाले शेयर देखा जाए तो वो 1 से 2 रुपए मूव करता है, ठीक है। वहीं पर अगर 500 वाले शेयर की बात करें जाओ, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 रुपए या 30 रुपए की मूवमेंट होती है उसकी एक दिन की। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात की जाए तो 100 रुपए वाला ऑप्शन यहाँ पे 50 हो जाता है, 50 से 150, 200, 1,000 भी जा सकता है। अगर गलती से आप 200 वाले में घुस गया, अगर वो आपके अपोजिट चला गया, तो वो एक ही दिन में 100 रुपए भी हो सकता है, वो 50 रुपए भी हो सकता है 200 वाला। तो क्या, और आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ आए हो, आप एक स्टॉप लॉस के साथ काम करने आए हो एक ऑप्शन के अंदर, ठीक है। आप कम से कम कितना स्टॉप लॉस लगाओगे, मिनिमम 25 से 30 पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। और 25 से 30 पॉइंट के हिसाब से अगर मैं एक लॉट के हिसाब से देखूं तो कम से कम आपको 500 से 800 या 1,000 रुपए तक का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, जो कि अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है और 10,000 में से अगर 1,000 जाते हैं तो सीधा 10% आपका मनी वाइप आउट होता है। और आपने ऐसे ही अगर 2 स्टॉप लॉस एक दिन के खा लिए तो आपके 20% मनी मतलब अकाउंट से गायब हो जाता है। तो यार, बस मैं यही चीज आपको एक नॉलेज देता हूँ कि यार ये तरीका सही नहीं है एक ऑप्शन में आने का, या जो बिगिनर आना चाहते हैं या फिर जिसके पास ऑलरेडी जैसे 10,000 रुपए तो ऑप्शन में काम कर रहा है। एक सही तरीका यही है कि आप एटलीस्ट आपके अकाउंट में एक इतना पैसा होना चाहिए कि जब भी आप ऑप्शन में आए या ऑप्शन में आपका एक स्टॉप लॉस जाए तो मैक्सिमम 1-2% होना चाहिए, 1-2% आपके मनी का होना चाहिए। आप मेरे को देख लीजिए, देखो आप, मैं आज के टाइम पे अगर रिस्क लेता हूँ तो मेरा मैक्सिमम रिस्क एक दिन का 50,000 रुपए होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। अगर मैं अपनी मनी पर 10% का रिस्क ले लूं एक ही दिन में, तो करीबन 2 से 3 लाख रुपए बैठ रहा है। 3 लाख रुपए अगर एक ही दिन में मुझे लॉस होता है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आपको लग रहा हो कि 10,000 में 1,000 रुपए जा रहा है वो बहुत छोटा अमाउंट है, बट ये बहुत बड़ा अमाउंट है 10,000 रुपए में 1,000 रुपए भी जा रहा है, क्योंकि 10% पैसे जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो बस मैं यही राय है मेरी, जो ऑप्शन में आ रहे हैं आप इक्विटी में काम करिए जब तक कि आपको एक ऐसा अमाउंट ना हो जाए कि आपका स्टॉप लॉस ऑप्शन के अंदर अगर जाता है तो आपका वो 1-2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जब भी आप ऑप्शन में एंट्री करो। अदरवाइज आप जब तक इक्विटी में काम करो, मतलब अगर आप ऑप्शन में आ रहे हो तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में 30-40,000 रुपए होने चाहिए। और 30-40,000 होने के बावजूद भी आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में काम करोगे। गलती लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 30-40,000 रुपए हैं, या तो वो 10 लॉट में काम करेंगे या पूरे के पूरे पैसों का ही ऑप्शन खरीद लेंगे, और जब वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैक्सिमम कम से कम उनके 10-20% तक पैसे सीधे गायब हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, जब आपके 20% पैसा उड़ जाता है तो आपके पास सिर्फ 80% है। अभी दोबारा उसे बढ़ाने में करीबन 33% तक आपको बढ़ाना पड़ेगा, पर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही रीजन होता है काफी ज्यादा नुकसान क्यों होते हैं ऑप्शंस के अंदर लोगों को, कि यही चीज वो नहीं समझ पाते कि क्या रीजन है इसके पीछे जो हमें इतने ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। आपका पैसा ज्यादा जा रहा है, एक स्टॉप लॉस में आपका इतना पैसा जा रहा है, आप प्रॉफिट में रुक नहीं पा रहे हो। मैं मानता हूं कि प्रॉफिट में अगर आप रुकते हो या ऑप्शन में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है अगर आप सही जाते हो, लेकिन यार मेरी राय यही है कि आप एटलीस्ट उस लेवल पे पहले आ जाओ कि आपका इतना पैसा जाना नहीं चाहिए, आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए जब तक आप इक्विटी में ही काम करो, ताकि इक्विटी से आप जब तक आप 30-40,000 रुपए आपके अकाउंट में ना हो जाए तभी आप ऑप्शन में एंट्री करो। हाँ, जब तक आप सीख सकते हो, उसे पेपर ट्रेडिंग करते रहो, उसको सीखते रहो, लेकिन 40,000 जब पैसे हो जाए, 30-40,000, तभी आप एक लॉट के साथ आओ। सिर्फ एक लॉट के साथ वर्क करना है, एक लॉट के साथ काम करना है, ठीक है। तो इतना याद रखना, जब आप एक लॉट के साथ काम करोगे ना तो आपका एक दिन में एक एसएल भी हिट होता है, 2 भी एसएल हिट होते हैं ना, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यही एसएल जब 10,000 या 5,000 रुपए में हिट होता है ना, तब आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और आपके पैसे कम होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना आगे से, आप जब तक क्या करो, शेयरों में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, करो। देखो, आपको ये लगेगा थोड़ा धीरे बढ़ेंगे, लेकिन याद रखना धीरे ही बढ़ना है मार्केट में। आप जब भी मार्केट में ज्यादा तेज बढ़ने की कोशिश करोगे ना, आपको मार्केट वहीं गिराएगी, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं बता रहा हूँ गाइस। तो आपको ऐसे ऐसे काम करना है, धीरे आगे बढ़ना है, और आप बिलीव मी, और आगे भी बढ़ोगे, तरीके से बढ़ना है, ठीक है गाइस। टिल देन, बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही।